सभी का स्वागत है, गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग कुछ बहुत ही मज़ेदार चीज़ देखने वाले हैं, वाटर प्रोपोगेशन। मैंने नीचे हर श्रृंगार की और अलमांडा की, पर्पल वाली जो अलमांडा आती है उसकी प्रूनिंग की थी, और समय नहीं था तो उसे बस एक मटके में डाल दिया और पानी डालकर मैं भूल गया। और आप देख रहे हैं सभी के कितने लीव्स निकल के आ गए, लगभग एक महीना हो चुका है इसको, और आई थिंक नीचे काफ़ी इसमें रूटिंग हो गई है। कुछ नहीं किया, केवल घड़े में पानी है, पानी को लगातार रिफिल करते रहा। और आप लीव्स देख रहे हैं, इससे कितने सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं। आइए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ और फिर इसको हम लोग अभी प्लांट करेंगे। लगभग एक महीने हुए हैं इसको रेडी होने में। चलिए तो नज़दीक आ जाइए तो मैं इसको दिखा दूँ ज़रा। थोड़ा केयरफुल होना होगा ताकि ब्रांचेस डैमेज ना हो। आई थिंक एक दो डैमेज हो गए हैं। बहुत ही डेलिकेट इसका रूट होगा, ये तो अपना ग्रो नहीं किया। ये ग्रो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसको उल्टा डाल दिया गया था। दिस शुड हैव बीन द लोअर पार्ट। एनी हाउ ये आई थिंक निकालने में या वाटर डालने में ये डैमेज हो गया है। जी हाँ, इससे लीव्स आए बट डैमेज है ये। चलिए और कुछ हिस्सों को देखा जाए। ये चूँकि ये सक्सेसफुल था तो ये दो चार दिन पहले ये एक जोरा का एक कटिंग है जो डाला गया है, तो इसको भी रहने देते हैं, इसको वापस डाल देंगे इसमें। लेट्स सी, ये भी उल्टा डाला हुआ है, गलत डाला हुआ था, इसकी भी रूटिंग नहीं हुई है, इसको इस तरीके से डाला जाना चाहिए था। ओके, और लेट्स सी इसकी क्या वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, यस। तो ये है अलमांडा की कटिंग। कुछ नहीं किया इसको, बस मटके में डालकर कटिंग के बाद पानी डालते रहे। पानी चूँकि वो ऑटोमेटिक सूखते रहा और उसको हम लोग रिफिल करते रहे, और देखिए कितनी सुंदर इसमें रूटिंग आई है, ज़बरदस्त। और अब ये ग्रोथ इसकी देखिए कितनी अच्छी है। इसे भी हम लोग बड़े गमले में, लेकिन ये चूँकि बहुत ही डेलिकेट रूट्स है तो बहुत संभाल के करना होगा और जल्दी से करना होगा। और थोड़ी सी डेलिकेटली, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अलमांडा की एक और कटिंग है ये, अगेन आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी रूटिंग आई है इसकी। एक और कटिंग है, ये भी अलमांडा की ही है। हरसिंगार वाली सक्सेसफुल नहीं हुई है बहुत ज़्यादा, लेकिन अलमांडा के लगभग सारे कटिंग्स में बहुत अच्छे रूट आए हैं। और जब इसको मैं गमले में लगाऊँगा तो उसका कैसा वो रहता है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। अगेन एक और, दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट हेल्दी, बहुत अच्छी रूट्स आई है। लेट्स सी, ये हरसिंगार था, आई थिंक इसके पत्ते मुरझा गए हैं। एक और हरसिंगार है, ग्रोथ तो है बट रूट्स आने शुरू हुए हैं अगर आप नज़दीक से देखोगे तो। इज इट विजिबल? ओके। और एक और अलमांडा, अलमांडा क्या आई थिंक सारे जितने भी कटिंग्स थे सब में काफ़ी अच्छी। दिस वन इज डेड, दिस वन इज ऑल्सो डेड। इसमें रूट्स आने शुरू हुए हैं और ये आई थिंक अलमांडा की ही कटिंग है। अगेन हरसिंगार। ओके, तो जो कटिंग्स अभी तो मैंने हाल फिलहाल कुछ डाले थे उनको मैं वापस डाल रहा हूँ। जैसे ये है, इसकी कटिंग है ये बोगनविलिया की, इसको वापस डाल दे रहा हूँ। चलिए बाकी को मैं वापस डाल देता हूँ, देखते हैं। इसमें भी रूट आ रहे हैं, ये भी अलमांडा की कटिंग है, बहुत बारीक डेलिकेट सा रूट है तो इसको भी वापस डाल दे रहे हैं। बाकी को मैं अभी पॉट करने वाला हूँ, एक बार इनको ले लूँ।
और मैंने कोई बहुत प्लानिंग से इसको नहीं लगाया था, चूंकि मेरे पास टाइम नहीं थी उस वक्त कटिंग डायरेक्ट लगाने की, तो मटके में डालकर पानी डालकर छोड़ दिया और भूल गया। और यू कैन सी ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। चलिए टाटा बाय बाय, देखेंगे इसको। अभी मैं गमले में लगाने वाला हूँ, यहाँ गमले और काफ़ी सारे गमले उधर भी मैंने खाली किए हैं, तो अलग अलग गमलों में इनको प्लांट कर दे रहा हूँ, देखते हैं कैसा रहती है। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस सीज़न में हालांकि कटिंग ग्रो करने का ये आइडियल टाइम तो नहीं है, बट लेट्स सी कैसा रहता है। टाटा बाय बाय।